ये देखो संगवारी हो बोर्ड आ गए है, अभी ही भवन जाबो बढ़िया। भैया दुधावा डैम इधर गई ना, ये लिखा यहाँ पर दुधावा पहुंच मार्ग। चलिए दुधावा पहुंच मार्ग, जय जोहर संगवारी हो, स्वागत है आपन के मोर चैनल संत धुरे ब्लॉग में। और संगवारी हो ए टाइम हमन आहन कांकेर जिला के दुधावा डैम में, और मोर पीछे देखो नज़ारा दिखाते हुए आप मन दुधावा डैम के। और दुधावा डैम आए पर संगवारी हो दो तीन रास्ता है, अगर आपन कांकेर से आते हो तो कांकेर से लगभग 35 किलोमीटर पड़ी सीधा दुधावा डैम है, और अगर आप मन दुर्ग भिलाई से धमतरी से आते हो तो अपन पहली धमतरी आओ, धमतरी से नगरी सिहावा रोड में आओ तो नरहरपुर होते हुए आ सकते हो, धमतरी से करीबन 65 किलोमीटर पड़ जाते। तो संगवारी हो जो दुधावा डैम है यहाँ पर भी बोटिंग होते, और बीच में एक बहुत सुंदर से रेस्टोरेंट बना है छोटे से, वो देखो वहाँ पर भी हमन जाबो देखो कि वहाँ का मिलते। और यहाँ पर अगर हमन एती जाबो इको टूरिज्म एडान 100 मीटर दूरी पर बोटिंग स्टार्ट होते ए डहन, और एक गेट डहन ले जाबो थे एती हम अलग जो बांध के गेट है वो देख कर मिली और नज़ारा देख कर मिली। तो सबसे पहली हम चलते बोटिंग डहाँ जहाँ बोटिंग होते, और देखते वहाँ बोटिंग के का चार्जेस है और कतना में घुमावत है, और रेस्टोरेंट में भी जाकर देखो जो डैम के बीचों बीच बने हुए हैं वहाँ भी जाबो और वहाँ भी देखो कि वहाँ का खाए पर मिली। तो चलो संगवारी आप माला पूरा दुधावा डैम घुमाता हूँ, और बने रहे मोर चैनल पर, मोर चैनल में मैं दुलार प्यार देते रहो भाई। और जो मोर चैनल सब्सक्राइब नहीं करे है वह जाके सब्सक्राइब कर लूँ, और मोर इंस्टाग्राम के लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाइए उनमें भी जाके फॉलो कर सकते हो। तो चलो संगवारी हो हमन कांकेर जिला के दुधावा डैम घूमते। संगवारी देखे हम पहुंच चुके हैं बोटिंग के जगह में, यहाँ पर बोटिंग होते हैं और यहाँ पर आप मतलब बहुत सारे दुकान भी मिल जाएगी यहाँ, जहाँ आप मतलब खाई पिए के चिप्स नाश्ता चाय भी मिल जाएगी। और बीच में जो रेस्टोरेंट बने वहाँ भी कुछ मिलत हुई तो बोला वहाँ जाबो तब हम देख पाबो। तो चलो हम देखते हैं पहले कि यहाँ का टिकट के दर है और का है और कतना में यहाँ घुमावत है ना, तो सब लोग देखते हैं। और ये देखो ई कर पार्किंग है कार और बाइक मन के, यहाँ मन ई कर अपन बाइक ला खड़ा कर दे हैं, और आप मन यहाँ से नज़ारा देखो कितना ज़बरदस्त लगा थे दुधावा डैम। और ये जेटी पीछे है ई कले पूरा बोटिंग करा थे, और यहाँ पर टिकट पर पूछे लगी कहाँ से टिकट मिली थी ना, अब यहाँ तो मस्त पहाड़ है। और ये देखो इको लर्निंग सेंटर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। नौका बिहार बोटिंग का 100 रुपये प्रति व्यक्ति है, बोटिंग एवं कैंटीन कैफ़े 150 रुपये प्रति व्यक्ति, स्पीड बोटिंग है 200 रुपया, स्पीड बोटिंग में कैंटिंग है 250 रुपया, अच्छा मतलब कैंटिंग भी शायद यहाँ ही काठी, कयाक बोट 50 रुपये प्रति व्यक्ति समय आधा घंटा, और जुबलिंग बाल 30 रुपये प्रति व्यक्ति समय, पता नहीं जुबलिंग बाल शायद वो छोटे वाले हो ही कुछ। तो चलो पूछते हैं कहाँ पर टिकट विकट मिलत के।
संगवारी हो, हमार टिकट मिल चुके हैं। ये देखो हमन जाथन 150 रुपया वाले पर व्यक्ति में, मतलब 50 रुपये कैंटीन के यहीं से लिए आप मल्ला, वहाँ नहीं देना है। 100 रुपया है नौका बिहार के और 50 रुपये कैंटीन के। तो चलो देखथन का मिलते वहाँ कैंटीन में। 50 रुपये तो ले है, कोई तो कहाँ थी सिर्फ चाय बिस्कुट खिला देते करके। अब देखथन का मिली थे। अब ऐसे तो कोई स्पेशल डोसा और समोसा तो नहीं मिली, देखथन वहाँ का मिली थे, है ना। तो चलो थोड़ा सा हमारा वेटिंग करे लगी, कार की भीड़ ज़्यादा है, थोड़ा सा हमारा वेट करे लगी देखथन। चलो हमरो नंबर आने वाला कहा थे, बोर्ड लगा थे का है, थोड़ा सा भीड़ हो गई एक कारण थोड़ा वेटिंग बोलत रही से, लेकिन शायद हमारा नंबर जल्दी चाह जाएगी। ये देखो यहाँ पर भी बहुत सारे पब्लिक मन है, और ई बोर्ड में जाबो हमन 100 रुपया और कैंटीन की भी यहीं ले थे, मतलब टोटल 150 एक जन के। और ये देखो इतना सारा पब्लिक सब इकट्ठा हो गए घूमे भर, और ये शायद फास्ट बोर्ड है। ये देखो ये वाले बोर्ड फास्ट बोर्ड है। जाबो हमें कमर बन के नंबर ही मार दिया। ये लाइफ जैकेट रख लेते हैं भैया, इमरजेंसी में कूदर पड़ जाई थे तौरत ने, हाँ सांस फूल जी थे जरूरी है। भारी भीड़ बढ़ गई है, देखते ना हमारे आना चाहिए। अच्छा वहाँ टिकट देखेंगे भाई, बिस्कुट का हमें खा बेटा कैंटीन में क्या? हाँ कैंटीन है हो। ये देखो हमन पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट करा, यही रेस्टोरेंट है जेकर हमन टिकट के साथ पैसा भी ले रही से। अब देखथन यहाँ का मिलते खाया बार, चाय बिस्कुट दी से सुने रहे हो। और वो देखो दुकान तो लगे एक तो अंदर में, उतरथन यहाँ। संगवारी ये आ चुके हैं हमन रेस्टोरेंट में। ये देखो बढ़िया मस्त बने हैं, चारों तरफ देखो आप माला नज़ारा ही पूरा पानी पानी है ना। और एक बोट में आना, अब दूसरा बोट ये माला लेगा थे, उसके बाद जो अगला बोट है वो में हमन जाबो। ये देखो बीच में जाली लगे है, खुला है बढ़िया। और हमन भी एक ठोक टेबल देख के बैठ जाता है ये वाले टेबल में। ओह गजब नजारा है भाई, तैरता हुआ रेस्टोरेंट। तो ये देखो संगवारी हमार कैंटीन के चाय बिस्कुट आ गए, टक दे भाई ये करे यार।
ये हरी कैंटीन की चाय भी पतंजलि दूध। और अच्छा यही 50 रुपए फूके है नहीं करे में हमने अभी अपन शायद बाहर से भी ला सकते खाए बस जैसे कि कुछ भी नाश्ता वास्ता हो अपन बाहर से ला सकते हो और यहाँ बैठ के खा सकते हो। तो चलो हमन चाय और बिस्कुट खा लेते हैं ओकर बाद मिलते हैं आपसे थोड़ा देर में। तो संगवारी हमन जो रोड पे जाबो कहा थे ना होती वहीं पर गेट है ये देखो मैं जूम करके दिख रहा था आप मन का ये है गेट 4 गेट है और ओडन होते मछली पालन वो बोट आवत है अभी ही हमन जाबो कार की है मतलब एक बोट छोड़ के गई से और हमारे यहाँ 10-15 मिनट बैठे हैं और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा तक बैठ सकते हो और अपन खाई पी एक चीज़ बाहर से भी ला सकते हो। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि अपन यहाँ खरीद के ही खाओ लेकिन हम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि कहा देते हैं यहाँ करके इसलिए हम बिस्कुट चाय पिए हैं। और ये देखो संगवारी हो बोर्ड आ गए है अभी ही हम जाबो बढ़िया अरे नहीं रुकेगा यार अच्छा ये मैं नहीं रुके शायद ये देख निकल गया यार अच्छा ये मैं रेस्टोरेंट रुके कि नहीं लीस हुई कार की रेस्टोरेंट रुके पर लेबर अलग से अपना टिकट ले लगते 50 रुपये के और मैं नहीं लीस हुई मैं सिर्फ बोटिंग के लीस हुई तो मैं जावा दे सीधा घूम के चलो संगवारियो बोट आ चुके हैं चलते ना अब यहीं में और पिछला वाले बोट तो नहीं रुकी ये वाले जाबो हमन हाँ तो लड़का का बार रोवत गा जी वो भाई ओकरो साइज के देख लाइफ जैकेट ओकरो साइज में लाइफ जैकेट ने पूरा भर गए ये हमन निकले ना अरे बाप रे ज्यादा वजन हो गया भाई अब भाई मोटा दूसरा जब बैलेंस बनेगा चलो निकलो एक एक करके ओ भाई साहब क्या लहर मार रहा था मजा आ गया चलिए संगवारियों हमार बोटिंग हो गई और हमन दुधावा डैम घूम ले रहे हैं और आप मतलब भी घूमना है तो आ सकते हो यहाँ दुधावा डैम में 12 महीना चालू रही थे बोटिंग भी मजा लो रेस्टोरेंट की भी मजा लो और यहाँ पर आए बहुत मजा ही था मतलब घूमे में बोटिंग की आनंद अच्छा लगी कम पैसा में अच्छा बोटिंग मई तो संगवारी आज के ब्लॉग ला बहन ये का समाप्त करते हैं आई होप आप मतलब अच्छा लगी तो मोर वीडियो देखे आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद जय जोहार जय छत्तीसगढ़।